हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भाई, सभी भाई बहनों के समय जय माता दी, क्योंकि नवरात्रि का टाइम चल रहा। हम इस समय अपने गांव के नवरात्रि पंडाल पर यहां पे खड़े हैं और आज यहां पर होने वाला है रावण वध और रामलीला भी होने वाली, जहाँ पर भाई राम बनेंगे और लक्ष्मण भी बनेंगे, कुंभकर्ण भी बनेंगे और रावण भी बनेंगे भाई। तो आज यहाँ पर रामलीला होने वाला है। समझ लीजिए आज की वीडियो बहुत खास और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो भैया वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। इस समय समझ लीजिएगा रावण बन रहा है। अभी हम आपको बैक कैमरा से दिखाने वाले कि रावण कैसे बन रहा है और कैसे क्या आग लगेगी। तो भाई आज पूरा वीडियो देख लीजिएगा, हमारे गाँव का रावण वध देख लीजिएगा भाई, जो कि बहुत अच्छा और बहुत ही खास होने वाला समझ लीजिएगा। गाँव में छोटे छोटे बच्चे लोग बनेंगे, सयान भी रहेंगे उसमें, इन्वॉल्वमेंट रहेंगे। तो भाई आपको सब कुछ दिखाने वाले, रामलीला भी दिखाएंगे, लवकुश कांड भी होगा भाई, सब कुछ यहाँ पे होने वाला है समझ लीजिएगा। आपको सब कुछ दिखाएंगे हम। तो भैया वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और जो हमारे चैनल पर अभी नया है तो भैया प्लीज़ हाथ जोड़ करके बिनती, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो अभी हम आपको बैक कैमरा से दिखाने वाले हैं रावण कहाँ पे बन रहा है और रावण कौन बनेगा, कुंभकर्ण कौन बनेगा, राम कौन बनेगा, हम सब लोगों से आप लोग को मिलाने वाले हैं। देख सकते हैं इस समय नवरात्रि है, तो देख लीजिएगा माता रानी यहाँ पर विराजमान है और जिनकी नित्य रोज़ पूजा होती है, 9 दिनों तक पूजा होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गणपति बप्पा भी बैठे हुए हैं, यहाँ पर आदि माता, शक्ति माता, माँ भवानी बैठे हुए हैं। देख सकते हैं इनका पंडाल है। और अभी हम आपको यहाँ पर से लेकर चलते हैं, देख लीजिए कि यहाँ पर रावण बन रहा है। तो देख लीजिए कैसे बनता है, आप लोग को हम दिखाने वाले हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कारीगर जो है लगे हुए हैं भाई बनाने में। तो देख सकते हैं पहले पैरा से लकड़ी बांस वांस का बना करके, और सभी लोग मतलब कि पैरा से पहले उसको बनाते हैं, बांधते हैं, फिर उसके बाद पेपर लपेटते हैं, फिर मिट्टी गीली मिट्टी करके उसको सब कुछ चिपकाते हैं। अभी देख लीजिए कि बनना स्टार्ट हुआ है भाई, बन करके जब कंप्लीट हो जाएगा तो यहीं पर रावण वध होगा। आप देखिएगा भाई गांव में भी रावण वध होता है और कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग देखेंगे तो भाई दंग रह जाएंगे। तो भैया वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो देख सकते हैं अभी यहाँ पर सारा सामग्री यहाँ पर इकट्ठा है और यहीं पर होने वाला रावण वध। तो देख सकते हैं कारीगर अभी बना रहे हैं, अभी देख सकते हैं यहाँ पर सब पूरा सेटिंग हो रहा है भाई। अभी रात को यहाँ पे होगा 10-11 बजे समझ लीजिए होने वाला यहाँ पर रावण वध होगा। अभी रामलीला पहले होगी, उसके बाद लवकुश कांड होगा, सब कुछ होने के बाद फिर रावण वध होने वाला। तो भाई वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बहुत मजा आने। तो अभी हम लेके चलते हैं, तो भाई रावण कौन बनने वाला, तभी देख लीजिएगा उनका फेस कैसा रहेगा, उसके बाद रावण बनने के बाद उनका फेस कैसा रहेगा। तो फ्रेंड जैसे कि आप लोग देख रहे हैं भाई, जो ये शख्स आपको दिख रहा है तो भाई ये बनने वाले भाई रावण। तो रावण बन के आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो मतलब और कुछ अपने बारे में जरा बता दीजिएगा हमारे फ्रेंड्स लोगों को, यूट्यूब वाले जितने फ्रेंड्स हैं। मेरा नाम विनय कौशल है और मैं इससे पहले शंकर जी का भी रोल अदा कर चुका हूँ, और उसके बाद परशुराम जी का। हाँ। और कल मैंने प्ले ऑफ किया था। हाँ। रावण का, और आज रावण का खेल होगा, राम से युद्ध होगा और तत्पश्चात रावण वध भी होगा। तो गाइस आप लोग इनसे जुड़े रहिए और हमारा मंचन देखते रहिए, धन्यवाद। तो फ्रेंड जैसे कि आप लोग देख रहे हैं भाई, इस समय देख लीजिए सुग्रीव बन रहे हैं, इधर देख लीजिए राम लक्ष्मण आ चुके हैं, और यहाँ पे अभी हनुमान जी हमारे सज रहे हैं, और रावण अभी उघार बैठे हुए हैं, अभी रावण तैयार नहीं हुए हैं, फाइनली अभी तैयार हो जाएंगे। तो ये राम जी देख रहे हैं, ये तो भाई अभी मॉडल राम है, अभी समय चश्मा उश्मा लगा करके ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, ज्यादा मॉडल राम है। तो देख सकते हमारी सीते माँ, देख लीजिए ये है सीता माता, वाओ। तो देख सकते हैं हमारे श्री राम जी है जो मॉडल जमाने के अभी आ चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमारी सीता मैया जो है तैयार हो चुकी हैं, अभी तैयार है मेकअप मैक, जल्दी थोड़ा सा तैयार करो अच्छे तरीके। भाई वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो देख सकते हैं हमारे सीता मैया और श्री राम जी हैं, तो देख सकते हैं हमारे सीता मैया और श्री राम जी हैं यहाँ पर एकदम फाइनली तैयार हो चुके हैं, सज चुके हैं। देख सकते हैं कितने बहुत ही अच्छे, बहुत ही लुभावने और बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं। अभी इन लोग का होगा रामलीला होगा, और लवकुश कांड भी होगा, रावण वध भी होगा भाई। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। हमारे गाँव का देखिएगा फतेहपुर सुरैना, फरीदपुर सुरैना का रावण वध देखिएगा, आप लोग को बहुत मजा आने वाला है। शत्रुघ्न आगे शत्रुघ्न।
तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे गांव का जो रामलीला है और रावण पद होने वाला, तो यहां पर अभी राम लक्ष्मण और प्लस सीता जी तैयार होकर के मेकअप करके ऑलरेडी मंदिर पर पहुंच चुके हैं। तो अभी देखिएगा उनका आगमन, देखते हैं, देखिएगा अभी उनका आगमन हो रहा है, अभी देख लेंगे यहाँ पे होने वाला रामलीला होगा। तो आप भैया तो देख सकते हैं यहाँ पे स्टेज पर कुंभकर्ण आ चुका है भाई। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारे गांव का कुंभकर्ण है जिसका पेट बहुत ज्यादा बड़ा हो गया क्योंकि अभी खाना वाला खाया, अभी अभी सोने वाला 6 महीने के लिए। बहुत सही, आराम सोना थोड़ा बुलंदी में। माइक दो जरा थोड़ा सा कि आवाज आए, माइक दे तू सर। तो देख सकते हैं भाई कुंभकर्ण के खर्राटे देख सकते हैं, खर्राटे है कि जैसे लगे कोई मछलियां पड़ रही हो, खटिया पड़ रही हो। तो देख सकते हैं गांव के बहुत सारे बच्चे लोग यहां पर सब लोग इकट्ठा हो चुके हैं देखने के लिए रामलीला देखने के लिए। देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहां पर आ चुके हैं। तो देख सकते हैं भाई यहां पर रावण की सेना आ चुकी है। तो देख सकते हैं सभी रावण की सेना जो है कुंभकर्ण को जगा रही है। जगाओ जगाओ जगाओ, बाजा बजाओ। तो अभी देख सकते हैं कुंभकर्ण नहीं जगा हुआ है भाई। जगाओ जगाओ बाजा बजाओ। तो देख सकते हैं भाई कुंभकर्ण को जगा रहे हैं लेकिन कुंभकर्ण नींद में है, अभी उठने का नाम नहीं ले रहा है भाई। जगाओ जगाओ जगाओ, कुंभकर्ण फुल नींद में सोया हुआ भाई, 6 महीने सोया हुआ है। तो देख सकते हैं अभी भी सभी रावण के जितने सैनिक है सब जगा रहे हैं लेकिन जागने का नाम नहीं ले रहे भाई, तो अभी भी सो रहे हैं। जगाओ जगाओ। कुंभकर्ण को जगाने की फुल कोशिश की जा रही है लेकिन कुंभकर्ण जगने का नाम नहीं ले रहा है।
देखते हैं, अभी कुंभकर्ण के लिए खाना की व्यवस्था हो चुकी है। अब देखते हैं खाना के महक से जग जाएगा। जग चुका है भाई। भाई कुंभकर्ण जगह की नहीं महाराज, हमने बहुत सारी कोशिश कर लिया है, सारे हाथी ढोलक सारे फल सारे अन्य सारे चीज लेके दे दिया, बट अभी तक कुंभकर्ण भाई खाने में ही डटे हुए, किसी तरह से जग गए बट अभी भोजन से नहीं पीछे। एक काम करो, इस नगर में जितने भी हो फल और सब्जियाँ, जितने भी अनेकों प्रकार के व्यंजन हो उसको ले जाकर दे दो, सभी उसको आत्मा में होगी शक्ति, तभी वो उठेगा। जय श्री आज्ञा प्रभु। किसने जगाया हमें, कौन सी लंका में ऐसी संकट आ गई जिस वजह से हमें इस तरह के हमारी नींद से उठाया गया, बताइए कौन जगाया हमें। अभी आपको सोना नहीं है कुंभकर्ण, आपके भैया ने आपको बुलाया है, आप जाइए उनसे मिल लीजिए। भैया को आज हमारी ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई, कैसी आपद लंका में आ गई, आज से पहले हमें कभी भी हमारी नींद से नहीं जगाया गया, आज हमें लंका में क्यों बुलाया गया, चलिए हमारे चलने का बंदोबस्त किया जाए। पीछे 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 पी
तो देख सकते हैं यहाँ पर महाराज रावण लंकापति रावण यहाँ पे पधार चुके हैं। अब लंकापति रावण से होगा कुंभकर्ण की भेंट मिलन। आराम से राधा श्री को राधा श्री लंका प्रेम रावण को कुंभकर्ण का प्राण स्वीकार हो। और छोटे भाई कुंभकर्ण क्या हाल है भैया? ऐसी लंका में कौन सी आफत आ गई जो हमें इस तरह हमारे गौर निद्रा से जगाया गया? कौन सी ऐसी लंका में कैसी आफत आ गई? आप हमें जल्द से जल्द बतलाइए। कुंभकर्ण हमारे लंका में बहुत आफत है। जब से तुम सोए हुए हो तब से हमारा बेटा मेघनाथ और भी कई बेटे इस रणभूमि में समाप्त हो चुके हैं। अब तुम्हारा ही सहारा है। अरे माता श्री ये कैसी बात कर रहे हैं? ये कैसे हो सका? कौन सा शत्रु से जो साहस कर सका है हमारे वीर योद्धा को इस तरह पराजित कर सकता है? ऐसा किसमें साहस ऐसे किसमें शक्ति आ गई जो इस तरह लंका की तरफ आग उठाने की कदर की अपनी हिम्मत की आए? लंका के सामने समुद्र के पास कोई वनवासी अपने आप को राम कहता है वही है हमारी लंका की सर्वनाश का कारण। वही हमारे एक एक सैनिकों को एक एक पुत्र को सर्वनाश करता चला जा रहा है। और हमारा छोटा भाई विभीषण वो भी हमारे साथ नहीं है, वो भी उसकी शरण में चला गया। वो उसको ये समझ में नहीं आया कि मेरा बड़ा भाई है, मैं उसकी शरण में जाऊं उसका साथ दूं, लेकिन उसने साथ नहीं दिया, वो चला गया। अब हमें तुम्हारा ही सहारा है, तुम ही हमारा साथ दे सकते हो। क्या कहा भैया? वनवासी हमारे लंका की तरफ आग दिखा रहा है और हमारे चाचा हमारे भाई इस तरह उस वनवासी के शरण में चले गए। क्या वो कायरता के तरीके उनके शरण में न जाने से क्या उससे युद्ध नहीं कर सके? नहीं कर सके। वो अपने आप को भगवान विष्णु का अवतार मानता है, इसीलिए विभीषण भी उसी शरण में चला गया और मुझे ज्ञान दे रहा था, कहता आप भी भगवान श्री राम की शरण में चले जाओ आपका उद्धार हो जाएगा। बोला मैं रावण भी मैं कहा थे जिसको मेरे शरण में आना है वो खुद आ जाए। मैं बोला किसकी शरण में जाऊँ? मेरे पास ज्ञान का भंडार है, मैं ही रावण हूँ, मैं ही रावण हूँ। क्या कहा भैया? एक बार नाम दोबारा से बोलिएगा। क्या कहा? राम। वो वनवासी अपने आप को राम कहता है, राम। भैया कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ कि मैं आपसे कायरता की भांति बातें नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके भाई होने के नाते कि मैं और आप भी उसी जिसे आप वनवासी बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि कई साक्षात वो विष्णु का ही अवतार है, आप हम और आप भी उनके शरण में चलते हैं। क्या कहा? उसकी शरण में जाए? कदापि नहीं हो सकता। तुम मेरे छोटे भाई हो, क्या एक भाई का फर्ज नहीं होता कि बड़े भाई का आज्ञा माने? तुम भी उसकी शरण में जाना चाहते हो? ऐसा नहीं, अगर ऐसा है तो तुम बेशक जा सकते हो। मेरे पास कभी
की सारी सेना है अभी उससे लड़ने के लिए, और मैं भी लड़ने के लिए उससे तत्पर हूँ। मैं खुद लड़ लूंगा, तुम्हारे जैसे भाइयों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं, तुम जा सकते हो। देखिए भैया, आप गलत बोल रहे हैं, मैं कोई कायल नहीं हूँ, बल्कि आपने जिस तरह अपने बेटे को खोया है, अपने भाइयों को खोया है, तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि साक्षात जिसे आप वनवासी कह रहे हैं, वो वनवासी नहीं बल्कि वो साक्षात विष्णु का अवतार है। आप मुझे कायल समझ रहे हैं, लेकिन मैं कायल नहीं हूँ, मैं जाने से ना नहीं करना। लेकिन भैया मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, उनकी शरण में चलो। ठीक है, तुम कहते हो तो तुम जाओ, मेरी नजरों के सामने से दूर चले जाओ और जाके उसकी शरण में छुप जाओ। तुम भी एक कायती बाकी हो भैया, इस तरह की बातें करके मेरी भुजाओं को मत लगा दिएगा। हम जाओ बनवासी की साक्षात के मैं आपके कदमों में डाल दूंगा। जो मैंने तुम्हारे लिए योजनाबद्ध तरीके से सारी चीजें की हैं, तुम्हारे 6 महीने का राशन, तुम्हारे 6 महीने की सोने की व्यवस्था, वो कौन करेगा? जितना मैंने तुम्हारे लिए किया है वो इस सृष्टि में कोई नहीं कर सकता, मैं ही कर सकता हूँ। रावण और तुम्हारा भाई, क्या तुम्हें ये कथा भी याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया? भैया मुझे आप पे फुल भरोसा है और आप पे फुल विश्वास है, लेकिन मैं तो सिर्फ आपको समझा रहा था, लेकिन आपने मेरी भुजाओं को लटका दिया है। और मैं आपसे प्रतीक्षा करता हूँ कि मैं वहाँ जाके उस वनवासी का संकट के आपके चरणों में रख दूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो मैं वापस कदापि नहीं आऊंगा। ठीक है कुंभकर्ण, मैं भी देखता हूँ उसको, मेरे छोटे भाइयों, आज देखते हैं खून खून का है या खून खून का नहीं। ठीक है भैया, आप में आशीर्वाद दीजिए, आप आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा तो हम अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। तथास्तु। देख सकते हैं यहाँ पर प्रभु श्री राम लक्ष्मण सहित और हनुमान जी सहित पधार रहे हैं। एक बार जोर से सभी लोग तालियां बजा दीजिएगा। हमारे श्री राम जी यहाँ पे आ चुके हैं। दोनों लोग मेरी बातों को ताकि दुश्मन जो भी वार करे तो आप लोग साथ में उसका वार को सह सके। तो आप लोग पहले से तैयार हो जाइए और अपनी सेना को तैयार कर लीजिए। जी भैया, गलती आपकी आज क्या? तैयारी कर लो, युद्ध बहुत भयंकर होने वाला है। देखिए सभी लोग युद्ध में चलने के लिए रेडी हो जाए, बोला करो यार। प्रभु श्री राम, सेना भाई तैयार हो चुकी है। बहुत ही जल्द दुश्मन देश से कोई भी आ सकता है तो हम लोग तैयार रहेंगे। जैसे ही आपको आज्ञा दी जाए तो आप लोग दुश्मन पे आक्रमण कर देना। अभी भी अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। जैसे ही दुश्मन सामने आए तो उसको पहले ही वार में उसको खत्म कर देना। जी प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। सभी लोग जल्द से जल्द अपनी तैयारी करने चल रहे हैं। जी प्रभु, जैसी आज्ञा। जय श्री राम।
सभी लोग निकलने के तैयार हैं। दुश्मन बिल्कुल सुनाई दे रहा है, बहुत ही जल्द युद्ध होने वाला है, अपनी तैयारी करो, सेना को तैयार करके युद्ध की तरफ बढ़ चलो। जी प्रभु हम तैयार हैं, सेना हमारी पूरी तैयार है प्रभु, पूरी आपकी जय जयकार कर रही है। चलने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। मैं आगे चलता हूँ, लक्ष्मण तुम पीछे, और सारी सेना को लेके युद्ध की तरफ बढ़ते हैं। अपन ट्रेन ले लिया अपने कहीं आधी आधी बात में हो जाओ जाके भाई का सभी लोग आगे बढ़ते रहिए, आते रहिए, सभी लोग दुश्मन से बिल्कुल से टूट पड़ना है। देखो सैनिकों, दुश्मन वो बनवासी यहाँ से दिखने लगा है, सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन में आ जाओ और बिल्कुल से दुश्मन पे टूट पड़ना है। आक्रमण या भेजा जी प्रभु, बस प्रभु का आशीर्वाद लेके मैं आता हूँ और हम रणभूमि के लिए निकलते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे सीता मैया बैठी हुई है अशोक वाटिका पर, आप देख सकते हैं ये अशोक वाटिका है और यहाँ पर सीता मैया अकेले बैठी हुई हैं और रावण जी है जो इनको कैद करके, देखो यहाँ पर गिट्टी खेल रही है, क्या करें, टाइम पास कर रही है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी श्री राम भगवान आएंगे और इनको बचा के लेके जाएंगे, रावण को मार करके लेके जाएंगे। आप मुझे आज्ञा दो, सामने जो कुंभकर्ण की सेना तेजी से आगे बढ़ रही है, मैं उसे आप आशीर्वाद दो, मैं उसे खत्म कर दूंगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है लक्ष्मण, जाओ तुम दुश्मन की सेना को नेस्ता नाबूद कर दो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जैसी आपकी भैया तो भेजो ना तुम कुंभकर्ण के बीच में, ये वनवासी को दो, आज मेरे हाथों ही मरना होगा। भगवान अपनी वानर सेना से कह दो कि आक्रमण करने के लिए तैयारी करे, वानर सेना तैयार हो। आक्रमण, जय श्री राम, जय श्री राम, जय 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 जय। लक्ष्मण मारने के लिए तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी मौत भी मुझे याद है, आपको खींच कर लाई है, आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। मेरा नाम हेलो पता नहीं, आज आपकी मौत मेरे हाथों से ही निश्चित है, आओ प्रार करो। रणभूमि में सिर्फ बल होने से कुछ नहीं होता, बुद्धि के भी होना जरूरी होता है। कुंभकर्ण आज तुम मेरे हाथ में मारे जाओगे, बातों से बातें मत बन, शक्तिशाली हो क्या मैं इस रणभूमि में लड़ने योग्य नहीं हो, आओ आक्रमण आक्रमण।
मारो आक्रमण अंगन ए बढ़िया ये ये सब चले गए। ये कह मर रहे हैं तुम जिंदा हो खुद देख सकते भाई यहाँ पर कुंभकर्ण यहाँ पे कुंभकर्ण का वध हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे लोग कुंभकर्ण का सैनिक बोल रहा हूँ। अच्छा महाराज, हाँ सैनिक बोलो, क्या हो गया महाराज? रणभूमि में महाराज कुंभकर्ण अंतिम सांस पे आए। रणभूमि में क्या कहा? मेरा भाई कुंभकर्ण अंतिम सांस में है, वो मारेगा युद्ध में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे वही क्या बोला? सेनापति जी माता, तुम हमारा रथ तैयार करो। अजीत भी हमारे सैनिक है, उनको तैयार करो, उसके बाद हम स्वयं चलेंगे युद्ध के लिए। जाओ, मैं आपसे सैनिक होने की बातें आपके राज्य में रहने की बातें। देखे कैसे तरफ तरफ के मर रहे बेचारे। सलाह देता हूँ कुंभकर्ण भी कि आप उस वनवासी राम के चरणों में अभी भी अच्छा तो था। मैं तेरा सर काट के अपने पैरों के नीचे रख देता, तू भी उसी तरीके हो गया। तू जा, मुझे कोई आवश्यकता नहीं तेरी। जैसे आगे आपके आशीर्वाद से मैंने कुंभकर्ण की सेना को पराजय कर दिया है और हमारी विजय हुई है। ऊपर वाला आपके साथ है और हम भी तुम्हारे साथ हैं। हम किसी भी दुश्मन को नहीं छोड़ेंगे। आने तो उसके भाई को, उसको भी नेस्तनाबूद कर देंगे। तुम्हारा जय होगी, सत्य की जीत अवश्य होगी। ठीक है, तो भी हम चलते हैं। चलो युद्ध भूमि में। कौन है वो बनवासी राम और लक्ष्मण? और स्वयं आया युद्ध के लिए और हमको ललकार रहा है। उस अहंकारी रावण को तुम सबक जरूर दिखाना लक्ष्मण। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और बजरंगबली तुम साथ में लक्ष्मण के साथ में रहना, उनका साथ देना युद्ध में। जैसी आपकी आज्ञा भैया। प्रभु युद्ध करने की तैयारी करो, आक्रमण करने के लिए सभी लोग तैयार हो जाओ। हम और हमारी वानर सेना तैयार है। हाँ करूँ हाँ। क्या ये बादल मुझसे लड़ेगा? ये हनुमान, हाँ मैं तुझे भी बताता हूँ। मैं तुझे आज नाबूद कर दूंगा। तू इस रणभूमि के लड़े हो नहीं है। ठीक है, वो तो रणभूमि में ही पता चलेगा। तू जैसा कह रहा है ना, तेरी इस बुद्धि से मैं नहीं, मेरा शस्त्र ही बोलेगा। और ये जो मेरे पास बाण है उससे तुझे पता चलेगा कि रावण क्या है। वानर सेना आक्रमण करो, सैनिको आक्रमण, डिसेम डिसेम आक्रमण, आक्रमण।
अकबर ठीक है हनुमान तुम जाओ आगे आए रावण मैं सुना तुम बहुत बलशाली हो एक बार मुझसे याद करो तू मुझसे लड़ेगा रावण से तो आ जा तेरे जैसे ताकतवीर मेरे सामने कभी नहीं टिक पाएगा क्या उस राम से बता दे कि मैं रावण हूँ उससे लड़े आके मुझसे क्या तूने दूसरे की पराई स्त्री को हरण करके तूने अच्छा काम नहीं किया है तेरा वध निश्चित है बहुत ही जल्द निश्चित होने वाला है तेरा वध मनीष कपटी अरे तूने वो दिन क्यों नहीं सोचा था जो तूने मेरी बहन के साथ किया था अगर तू ऐसा काम ना करता तो आज मैं तेरे साथ ना करता तू अपने आप को बहुत बलशाली समझता है देख तेरे भाई को रणभूमि में परास्त कर दिया और तेरा जो वीर हनुमान था उसको भी मैंने परास्त कर दिया रहा तू और तेरी सेना एक ही तीर में एक ही बाण में मैं तुझे नेस्तनाबूद कर दूंगा रावण अहंकारी तुझे ले डूबेगा तुम बहुत अहंकारी है बहुत ही जल्द तेरा नाश सर्वनाश होने वाला है तू मुझे कि मेरा नाश होगा नाश क्या होता है वो तो तुझे मैं अब बताऊंगा तू देख मेरे ब्याह क्या करते तेरा इतना बड़ा परिवार तेरे 70 पुत्र 72 पुत्र तेरे कोई भी लंका में कोई नहीं बचेगा सारी लंका नेस्तना नाबूद हो जाएगी ऐसा कभी नहीं होगा मेरे पास 70 पुत्र 72 नाती थे उसकी मुझे चिंता नहीं लेकिन मुझे अपने आप पे गर्व है क्योंकि मैं एक ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण रावण जिसने शिव लोग पर लोग भोलेनाथ को जीत लिया वो तू क्या है जो एक भगवान को अपने भुजाओं में दबा सकता है तो तू कौन सी ऐसी चीज है तू तो एक साधारण मनुष्य है रावण तू बातों से बात मत बढ़ा तू जानता नहीं है कि जो सत्य की ही जीत होती है तूने असत्य पे कदम धर दिया है तो इसकी वजह से तेरा सर्वनाश है अभी तुझे मौका देता हूँ कि तू मेरे शरण में आ जा और सीता को हमारे हवाले कर दे तो तेरे प्राण बख्श दूंगा नहीं तो तेरी मौत निश्चित है तू मुझे कह रहा है कि मैं तेरी शरण में चला जाऊं रावण को तू मेरी शरण में आ जा मेरे पास देख सोने की महल है तू जहाँ कहेगा मैं तुझे उस कच्छ को सौंप दूंगा आराम से रहना तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी हीरे मोती जवाहरात सुंदर नारियां तेरे साथ रहेंगी रावण के पैसे और नारियों का लालच नहीं है मैं वनवासी हूँ लेकिन तूने जो कर्म किया है वो बहुत अधर्म का काम किया है तेरा नाश सर्वनाश बहुत ही जल्द निश्चित है अभी तुझे मैं मौका देता हूँ कि तू मेरी शरण में आके मुझसे माफी मांग ले ताकि तेरा जो सर्वनाश ना हो और तेरा भाई विभीषण वो समझ गया है कि सत्य क्या होता है सत्य की राह पे चलने वाला कौन होता है तो तेरे लिए आखिरी मौका है जिससे तू समझ जाए नहीं तो धर्म का नाश तो होना ही निश्चित है चल पहले मुझसे युद्ध भूमि में रह उसके बाद देखते हैं कौन वीर कौन खीर नहीं मैं खीर नहीं मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जो सत्य की राह पर चलते हैं वो हमेशा असत्य की राह पर चलने वालों का सर्वनाश अवश्य करते हैं हे मूर्ख रावण
तूने मेरा छल से हरण किया था ना, मैं कही थी ना कि फोन कर कर अपने स्वामी को बुला लूंगी। अब आ गए हैं मेरे पति कलयुग, देखते हो कौन जीतता है। राम तुआ, अब मेरे बाल ही तुझे बताएंगे कि क्या है युद्ध। तो बातों में टाइम मत गवाओ, चलते हैं रुद्र युद्ध करते हैं और आगे क्या होगा देखते हैं। चल फिर आ जा। जला दो मारो ना पापी को मारेगा। तुम तेरी तो ये भी एक पुतली है, इसके आप सोने के निशाना लगाइए, तभी जाकर ये इसके प्राण चले जाएंगे। फिर आज एक गलत काम किया, तूने तो मेरा साथ छोड़ दिया, अपने भाई का कभी नहीं हुआ। अब आज तूने फिर अपनी निष्ठा दिखा दी, तुझे मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। राम तू मेरा ये आखिरी बात होगा। तो तू सीता है ना। तो देख सकते भाई यहाँ पे है रावण, आज होने वाला रावण दहन। राम बोलो श्री राम, श्री राम भगवान जी को जय। राम सिया राम वाले आगे लगा दे आगे, कदम पीछे करे हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस समय श्री राम भगवान सीता मैया के साथ आ रहे हैं और पास में बजरंग बली जी हैं, और देख सकते हैं यहाँ पे रावण ठुमका लगा रहे हैं, सीता माता के साथ मस्ती भी कर रहे हैं। अभी देख लीजिए राम भगवान ने अपना धनुष तीर निकाल लिया है और उसके बाद रावण को ठुमका लगाते हुए भी तीर मारने वाले हैं। अभी यहाँ पर होने वाला रावण दहन आप लोग देख सकते हैं, अभी भी मस्ती हो रही है रावण को देख सकते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये देख लीजिए कैसे एक्शन कर रहे हैं इस समय, और उसके बाद देख लीजिएगा अभी राम भगवान जो है अपने तीर को तैयार कर रहे हैं। अब उसके बाद देखिएगा अभी जो हमारा जो रावण का पुतला बना हुआ है अभी उसमें लगेगा आग, आप लोग देख सकते हैं। इस समय थोड़ा अंधेरा हो गया, लाइट की थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है, अभी देखिएगा आगे क्या होने वाला है, आप लोग देख सकते हैं। अभी भी रावण का देखिए सीता मैया कुछ कहने आई है उनके पास, कुछ तो बात हो रही है इन लोगों के बीच में, और दोनों बहुत ही हैप्पी हैं। देख सकते हैं क्या होने वाला है, और पीछे से देख सकते हैं अभी आग लगने वाला है, और देखिएगा कितना भव्य तरीके से ये जलेगा। आप लोग देखेंगे तो खुद ही सोचेंगे नहीं वाव, गांव में कितने हिसाब से देख लीजिएगा राम भगवान ने रावण को तीर भी मार दिया है, और अब वहां आग लग चुका है देख सकते हैं पुतले पे। और ये देख लीजिए राम भगवान चला रहे हैं तीर, ये देखो लगा दिया तीर, चला दिया और लग गई आग। अब देख सकते हैं अभी कैसे भमभमा करके चलेगा, और रावण का यहाँ पर होने वाला भाई दहन। तो आप लोग देख सकते हैं पीछे से एक भैया और हैं, अब इधर देख लीजिए राम भगवान बहुत ही हैप्पी हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी चल रहे हैं, और देखते हैं आगे क्या होने वाला है।
देख लीजिएगा पैरों में आग लग गई है और देख लीजिएगा रावण दहन हो रहा है और देख सकते हैं धीरे 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 करके आग पकड़ ली है। और इसमें बहुत सारे पड़ाके भी होते हैं, जब भी देख लीजिएगा ज्वलन और बहुत ज़्यादा ही आग लगेगा, बहुत जल्दी ही पकड़ देगा। तो देख सकते हैं इस समय भी रावण दहन हो रहा है और सब लोग शोर कर रहे हैं। मैंने म्यूट कर दिया, मैं सिर्फ म्यूट इसलिए कर दिया क्योंकि सिर्फ इतना शोर कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ मेरी ही आवाज़ है, आप लोगों तक मेरी ही आवाज़ पहुँचे और ज़्यादा लोग की आवाज़ ना पहुँचे क्योंकि बहुत ज़्यादा ही शोर कर रहे हैं सब लोग और शोर में मज़ा नहीं आता। तो देख सकते हैं, देखो पटाखा भी छूट रहा है, उसमें बहुत सारा बड़े बड़े पटाखे भी रखे गए। तो देख सकते हैं रावण दहन हो रहा है और हमारे गाँव का है, छोटा सा ही है, तो हमारे गांव के सारे लोग मिल करके अपना यहां पर हर साल यहां पर उत्सव होता है और प्रोग्राम्स होता है, नाटक होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, रामायण होता है और भी बहुत सारे लौकिक कांड यानी हर चीज़ होता है और हर साल यहां पर होता है। सब लोगों के सहयोग से गांव के लोग के साथ मिलजुल करके आपस में प्रेम भाव के साथ यहां पर लास्ट में जब नवरात्रि का लास्ट दिन होता है तो उस दिन हम दशहरा के दिन खास समझ लीजिएगा यहाँ पर हम रावण का दहन करते हैं। तो आज हमारा दशहरा का लास्ट दिन, देख सकते हैं यहाँ पर सब लोग डांस भी कर रहे हैं और देख लीजिए यहाँ पर रावण भी है और ये देख लीजिए बहुत सारे ऑडियंस लोग हैं, बहुत सारे गांव के माताएं बहन लोग सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो कि रावण दहन देख रही हैं और बहुत सारे लोग भाई लोग भी यहाँ पर हमारे आ चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर और देख लीजिएगा बहुत सारे, कोई डांस कर रहा, कोई मस्ती कर रहा, कोई क्या कर रहा है, सब अपने आप में खुश पड़े हुए हैं। तो ये त्यौहार होता, देख सकते हैं ये सामने अशोक खड़ा हाय कर रहा है और देख लीजिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, बहुत सारी बहन लोग हैं, भाई लोग हैं इधर और कोई वीडियो बना रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ हमारे गाँव के माताएँ बहनें लोग हैं, यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ये सब गाँव की हैं माताएँ बहनें लोग हैं, सब लोग आए हुए हैं। सब लोग माता के दरबार में रोज़ आते हैं क्योंकि रोज़ ही यहाँ पे 7 दिन 9 दिन तक प्रोग्राम होता है और जब भी तक रहते हैं सब लोग मिल करके यहाँ पर प्रोग्राम करते हैं।